इस तरह का 15 अगस्त के लिए स्पेशल फ्री फायर का वीडियो आप भी बड़ी आसानी से बना सकते हो। बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है, परफेक्ट तरीके से आप आसानी से बना पाओगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड चाहिए, जो कि मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगा। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी व्हाट्सएप चैनल की, फटाफट से ज्वाइन कर लो। मैं ऐसे 3 से 4 बैकग्राउंड आपको दे दूंगा, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो। इसके बाद आपको अपने सॉन्ग को ऐड करना है, जिस भी सॉन्ग पे आपको इस तरह का 15 अगस्त के लिए वीडियो बनाना है, जो भी आपका फेवरेट सॉन्ग हो उसको सिंपली यहाँ पे ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने जो सॉन्ग ऐड कर रखा है, इसकी बीट में जाके मैंने एक बीट मार्क कर रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब कि इस बीट से मेरा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, मतलब ये जो बैकग्राउंड है ये शो होगा इमोट के साथ, जो कि आपने मेरा प्रीव्यू देखा होगा उस तरीके से। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने अकॉर्डिंग बीट मार्क कर लेना है कि कहाँ से आपको पूरा ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके का बनाना है। ओके, तो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन पूरा इस बीट पे बनाना है, तो यहाँ पे मैंने एक बीट मार्क कर ली। यहाँ पे सिर्फ आपको एक बीट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सॉन्ग भी आपको उसी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। वैसे मैंने इसी तरह के ट्यूटोरियल कई सारे बना रखे, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे अपनी फ्री फायर वीडियो की क्लिप को ऐड कर लेता हूँ, जो कि मैंने रिकॉर्ड कर रहे हैं, इमोट्स वगैरह वो भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली उसको डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ओवरले का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको अपनी ऐड ओवरले पे क्लिक करके यहाँ से गैलरी से आपको अपनी वीडियो को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके से अपने इमोट को यहाँ पे ऐड कर दिया है, और यहाँ पे इनको ट्रिम एंड स्प्लिट भी कर रखा है, और इनकी जो स्पीड है वो भी मैंने यहाँ पे कम ज्यादा कर रखी, क्योंकि मुझे बीट के साथ मैच करना था। तो मैंने इस तरीके से ट्रिम एंड स्प्लिट करके और इनकी स्पीड वगैरह कम ज्यादा कर रखी है। तो इन इमोट्स को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही है, तो मैंने इसके ऊपर काफी सारे ट्यूटोरियल ऑलरेडी बना रखे हैं डिटेल में, तो उन वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे इसकी जो मेन प्रोसेस है वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मेरा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से होगा कुछ इस पोजीशन पे, मतलब इस बीट पे, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो इस बीट पे मुझे जो इसका है अपना, जो अपनों ने बैकग्राउंड पीछे यूज किया है, वो पीछे शो होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि दिखना चाहिए इस बीट पे। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, कि यहाँ पे इसका जो इसका है वो अपन रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे, पहले आपको अपनी वीडियो क्लिप पर क्लिक करना है, जिसका इसका है आपको रिमूव करना है, उस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है, कटआउट का आपको ऑप्शन मिलेगा, क्रोमा की पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको कलर सिलेक्ट करना है ब्लू, और इंटेंसिटी को आपको थोड़ा सा बढ़ाना है। आप देख पाओगे कुछ इस तरीके से आपका जो बैकग्राउंड है वो आपको दिखने लग जाएगा। आपको ज्यादा इंक्रीज करोगे ना, तो आपका जो कैरेक्टर है वो भी गायब हो जाएगा। तो आपको बस थोड़ा सा करना है, जिसमें आपको आपका जो बैकग्राउंड है परफेक्ट दिखने लग जाए। ओके, तो यहाँ पे कुछ इस पोजिशन पे मुझे दिख रहा है, 4 या 5 रखूंगा मैं। शेडो को आप चाहो तो फुल कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे राइट पे आपको क्लिक कर देना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अपने स्काई के अंदर जो बादल है वो भी शो हो रहे हैं, बट ये थोड़ा अजीब लग रहा है, ये अपने को नहीं चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, थोड़ी सी मास्किंग कर देंगे। तो यहाँ पे आपको वीडियो क्लिप पर क्लिक करना है, नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको मास्क का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट करना है, यहाँ पे इसके एडजस्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सबसे पहले रोटेशन पे आपको क्लिक करना है, और 180 डिग्री आपको रोटेट कर देना है। ठीक है, 180 डिग्री याद रहे कुछ इतना, और यहाँ पे इसको आप फिंगर से भी एडजस्ट कर सकते हो। अब आपको सिंपली कुछ इस तरीके से ऊपर रखना है, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा आपको फेदर दे देना है, कुछ इस तरीके से, ज्यादा नहीं। ठीक है, आपका जो भी लोकेशन आपने सिलेक्ट कर रखी है वो आपको प्रॉपर अच्छे से नजर आनी चाहिए बैकग्राउंड में। ओके, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा, तो क्लॉक टावर का जो ये अपना टावर है ये कट जाएगा कुछ इस तरीके से, जो कि अपने को नहीं काटना, ये अपने को क्लियरली नजर आना चाहिए कुछ इस तरीके से। तो मैं इसको थोड़ा सा फेदर आउट कर दूंगा, तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको दिखने लग जाएगा, और यहाँ से आपको बैक आ जाना है राइट करके। ठीक है, तो अब देखो अपना जो इसका है वो कितना अमेजिंग तरीके से रिमूव हो चुका है। तो इसी तरह से अगर आपने पहले ट्रिम एंड स्प्लिट कर रखी है अपनी क्लिप्स को, तो आपको हर एक क्लिप पे करना पड़ेगा। अगर आप पहले ही कर लेते हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। तो गाइज, मैंने इसका रिमूव करने से पहले यहाँ पे ट्रिम एंड स्प्लिट कर दिए थे, क्लिप को स्लो मोशन एंड स्पीड मोशन में डाल दिया था, इमोट को अच्छे से एडजस्ट कर लिया था, तो मुझे हर एक क्लिप पर अलग अलग करना पड़ा। ठीक है, तो आप कटआउट करने से पहले इसी तरह से आपको स्काई को रिमूव कर लेना है पूरी क्लिप पे, जितने भी आपने इमोट यूज कर रहे हैं उन सभी पे। ठीक है, अगर आप अलग अलग करोगे ना तो वो डिफरेंट जाएगा फिर। ठीक है, तो आपको पहले कुछ इस तरीके से स्काई को रिमूव कर लेना है, उसके बाद आपको ट्रिम एंड स्प्लिट कर लेना है, और क्लिप को एडजस्ट कर लेना है अपने सॉन्ग के साथ। ठीक है, तो मैंने कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर रखी है। तो अब यहाँ पे आपको कुछ क्रिएटिविटी दिखानी अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने यहाँ पे बारिश का सीन रखा है, क्योंकि बारिश का मौसम है ऑब्वियसली, तो मैंने कुछ इस तरीके का लुक देने की कोशिश करी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो बूंदे पानी की वो अच्छे से गिर रही है, आपको भी दिख रही होगी, और ऊपर जो बादल का सीन है जो थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, तो उस तरीके का अपने को थोड़ा सा सीन बनाना है। तो यहाँ पे आपको अलग से वीडियो को ऐड करना है, जो कि आपको यूट्यूब पर आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो मैंने भी इन वीडियोस को वहीं से डाउनलोड किया है, तो सिंपली आपको यहाँ पे ऐड ओवरले पे क्लिक करके और उन वीडियोस को यहाँ पे सिंपली ऐड कर लेना है। जैसे कि मैंने कौन सा वाला ऐड कर रखा है मैं आपको अभी ऐड करके बता देता हूँ। तो
तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का वीडियो। इसको सिंपली आपको स्काई के बराबर रखना है, थोड़ा सा जूम कर लेना है क्योंकि अपने को इसको स्काई में ऐड करना है। कुछ इस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना है और इसके अंदर मैं मास्क को ऐड कर दूंगा क्योंकि ये ऐसे तो बहुत बेकार लगेगा। मतलब कि अपने को जो तिरंगे वाला PNG बैकग्राउंड है वो भी अपने को अच्छे से नज़र आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको लेयर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके वन पे आपको क्लिक करना है जिससे कि ये आपकी मेन वीडियो के पीछे चला जाएगा, ठीक है, बैकग्राउंड में। अब यहाँ पे इसको अपने को फेदर आउट करना है, तो सबसे पहले अपन इसके अंदर मास्क ऐड करेंगे। मास्क पर क्लिक करना है, इसमें भी वही सिलेक्ट करना है हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे आपको इसके अंदर फेदर कुछ इस तरीके से ऐड कर देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने जो बादल है वो थोड़े से कम नज़र आने चाहिए, मतलब कि अपना जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट होना चाहिए क्योंकि इन बादलों की वजह से अपना जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा दब गया है, ठीक है, जो कि उभर के नहीं आ रहा है, तो वो भी उभर के आना चाहिए। और अपना जो बादल से जो पानी गिर रहा है, जो लाइटनिंग इफेक्ट है, वो सारे अपने को अच्छे से नज़र आने चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको राइट पे क्लिक करना है सबसे पहले, और यहाँ पे आपको ब्लेंड का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो भी ब्लेंड अच्छा लगे, जिसमें भी आपको परफेक्ट नज़र आ रहा है, वो आपको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ हार्ड वाला, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्ले करके बता दूँ, तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ओके, अब इसकी जो लेंथ है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, तो आपको क्या करना है कि एंड में आ जाना है और यहाँ से स्प्लिट करके इस वीडियो को कर देना है डिलीट को, जो कि अपने को नहीं चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अपने को बारिश की जो बूंदे हैं गिर रही है उस इफेक्ट को यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो आपको यूट्यूब पर सर्च करना है रेन ड्रॉप ब्लैक स्क्रीन वीडियो, आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे, सिंपली उनको डाउनलोड करना है। तो इसी तरह से अपन एड ओवरले से उस वीडियो को भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, देख सकते हो कुछ इस तरीके का मिलेगा, ठीक है। तो इसको भी आपको जूम कर लेना है फुल स्क्रीन, और यहाँ पे इसका जो ब्लैक स्क्रीन है इसे रिमूव कर देना है। नीचे आपको ब्लेंड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके फिल्टर पे क्लिक करना है, हट जाएगा पूरा। और यहाँ पे इसकी जो ऑपेसिटी है आपको रखना है 70%, ठीक है, और राइट पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कुछ इस तरीके से इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा अपना जो टावर है क्लॉक टावर का, यहाँ पे आपने तिरंगा देखा होगा, ठीक है। तो उस तिरंगे का जो ग्रीन स्क्रीन है वो भी मैंने यूट्यूब से डाउनलोड करके ऐड किया है, ठीक है। तो सिंपली आपको ऐड वाले पे क्लिक करना है और उस ग्रीन स्क्रीन वीडियो का आपको सिंपली यहाँ पर ऐड कर देना है। तिरंगे का आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, आपको जो भी फेवरेट हो, जो भी अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सिंपली इसका जो बैकग्राउंड है ग्रीन स्क्रीन है उसे हटा देना है कुछ इस तरीके से, क्रोमा की हेल्प से कुछ इस तरीके से रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे आपको अच्छे से एडजस्ट कर देना है, राइट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से छोटा करके इसके टावर पर इस तरीके से ऐड कर देना है। यहाँ पे जितना छोटा करना चाहो आप कर सकते हो, मतलब परफेक्ट लगना चाहिए कि हाँ अपना प्रॉपर उसी जगह पे फ्लैग लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है कि यहाँ पे देखो अभी ये ऊपर लग रहा है अपने टावर के, जो कि अजीब लग रहा है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आपको लेयर का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे 3, 2 या 1 पे कर देना है जिससे कि पीछे की साइड चला जाएगा। और इसको प्रॉपर अच्छी तरीके से यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट करना है, ठीक है, जिससे कि ये लगे नहीं कि आपने अलग से लगा रखा है, कुछ इस तरीके से। ओके, और सिंपली यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो इसको भी अपन उसी तरीके से स्प्लिट कर देते हैं, यहाँ पे क्लिक करके स्प्लिट करके पीछे का जो पार्ट है उसे डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको प्ले करके बताऊँ, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों इसके अंदर आपको एक इफेक्ट ऐड करना है और कलर एडजस्टमेंट करना है। तो सबसे पहले इफेक्ट आपको कौन सा ऐड करना है, तो इफेक्ट वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको वीडियो इफेक्ट्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको एक इफेक्ट देखने को मिलेगा ड्रीमी हालो करके, तो इसको इफेक्ट को सिंपली यहाँ पे ऐड कर देना है और इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके ऑल वीडियोस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो देख सकते हो कितना अमेजिंग लुक अपनी वीडियो के अंदर आ चुका है। और इस इफेक्ट को आपको एडजस्ट करना है, जिसकी सेटिंग मैं अभी आपको बता देता हूँ, इसको भी आपको लास्ट तक अप्लाई कर देना है जहाँ तक आपकी वीडियो है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इसके एडजस्ट में जाके इस सारी सेटिंग को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो कि आपको ग्लो कितना चाहिए अपनी वीडियो के अंदर, ठीक है। ये सारी सेटिंग आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, जितना आपको ग्लो चाहिए उतना आप इनको एडजस्ट कर सकते हो। और राइट पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फर्स्ट में आ जाना है और यहाँ पे आपको कलर एडजस्टमेंट करना है पूरी वीडियो पर, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आपको एडजस्ट पे क्लिक करके और यहाँ से आपको ब्राइटनेस वगैरह इंक्रीज कर देना है। तो पहले मैं कर देता हूँ, फिर आपको इसकी सारी सेटिंग आपको बता देता हूँ जिससे कि आप आसानी से समझ पाओगे। ब्राइटनेस आपको माइनस रखना है क्योंकि अपने को ग्लो इफेक्ट चाहिए, तो आप ब्राइटनेस जितना कम रोकोगे, मतलब ज़्यादा कम मत करना वरना दिखेगा ही नहीं कुछ, ठीक है। तो थोड़ा सा कम कर देना है जिससे कि आपको थोड़ा ग्लो इफेक्ट देखने को मिलेगा अपनी वीडियो के अंदर। कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा देना है 10, मतलब ब्राइटनेस 10 माइनस, कंट्रास्ट 10 प्लस।
सेचुरेशन आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है। इसको बस इतना बढ़ाना है कि आपको लगना नहीं चाहिए कि अपनी वीडियो में कुछ ज्यादा ही कलर हो गया है, ठीक है। ज्यादा कलर अपने को नहीं चाहिए, इतना करोगे तो बेकार लगेगा। तो 10 या 20 आपको बढ़ा देना है। एक्सपोजर आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है, शार्पन को फुल कर देना है जिससे कि थोड़ी सी क्लियरिटी आएगी वीडियो के अंदर। और यहाँ पे बाकी हाइलाइट्स थोड़ी सी इंक्रीज कर देना, शेडो को आप थोड़ा सा बढ़ा देना, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देना। अगर आपको डार्क ज़्यादा लग रहा है थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। टेम्परेचर को माइनस रखना है क्योंकि अपने को थोड़ा कोल्ड लुक चाहिए इसलिए, ठीक है। अगर वार्म चाहिए तो आप इसको बढ़ा सकते हो जो कि कुछ इस तरीके से लगेगा। तो यहाँ पे आपको 15 या 10 रख लेना है, ठीक है। बाकी कोई भी सेटिंग इसके अंदर नहीं करना है, राइट पे आपको क्लिक कर देना है। और इसकी लेंथ भी आपको लास्ट तक बढ़ा देना है जहाँ तक आपकी वीडियो है। अब देखो यहाँ पे अपनी जो वीडियो है अमेजिंग तरीके की बन के रेडी हो गई है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक एनिमेशन को भी डाल रखा है जिससे कि अपनी जैसी बीट मतलब पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो एनिमेशन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला एनिमेशन ही डालना है, ठीक है। जैसे कि इसकी जो लेंथ है आपको 0.2 सेकंड रखना है और राइट पे आपको क्लिक कर देना है। अब देखो यहाँ पे अपनी जितनी भी क्लिप्स है ओवरले में इन सभी पर भी यही एनिमेशन आपको अप्लाई करना है। और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा एडिटिंग करने पर लेग करने लग जाता है, तो यहाँ पे आपको अब डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर लेना है क्वालिटी को हाई करके। सिर्फ इसका जो ये रेजुलेशन है इसको आपको 1080p पे रखना है, आप चाहो तो 4K भी कर सकते हो अगर आपकी सपोर्ट करता है तो। और अब सिंपली आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देना है। अब मैं आपको फाइनल आउटपुट दिखा देता हूँ। तो गाइज देख सकते हो अपनी जो वीडियो कितनी ज़्यादा अमेजिंग बनी है। तो गाइज ये वाली वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।